फ्रेंड्स, हम लोगों के मोबाइल में ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस सेव की थी, वीडियोस, ऐसे बहुत सी चीज होता है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग उसे गलती से किसी किसी फाइल को डिलीट कर देते हैं या फिर कोई हमारा दोस्त या फिर कोई बच्चा उसे डिलीट कर देता है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि कैसे उन सारे फाइल्स को आप रिकवर कर सकते हैं। तो उसे एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा रिकवर करने के लिए, एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। वो एप्लीकेशन सबसे ज्यादा बेस्ट है, जितने भी रिकवरी के एप्लीकेशन है ना, उनमें से सबसे ज्यादा ये एप्लीकेशन बेस्ट है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के मोबाइल स्क्रीन चलते हैं और देख लेते हैं कैसे आप उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जो आपने डिलीट कर दिया फिर किसी ने डिलीट कर दिया है उसको आप कैसे रिकवर कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड फोन से। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाके आप अगर रिसाइकल मास्टर लिख के सर्च करते हैं तो ये ऐप जो है आपको मिल जाता है। फ्रेंड्स, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख लीजिए इस ऐप का जो साइज है बहुत ही छोटा है, 1 मिलियन प्लस इस ऐप का जो डाउनलोड है। और फ्रेंड्स, सबसे जरूरी जो बात है वो देख लीजिए, 4.5 स्टार इसको रेटिंग मिला है। सभी लोगों ने जो है, ज्यादातर लोगों ने जो है इसे 5 स्टार रेटिंग दिया है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को मैं थोड़ा स्किप करता हूँ और थोड़ी देर में ऐप इंस्टॉल हो जाने के बाद वापस आता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ऐप जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इस ऐप को सिंपली ओपन करूंगा। ओपन करते ही आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, रिसाइकल मास्टर लिख के आएगा। उसके बाद मैं आपको कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ जो आपको पहले कर लेना चाहिए। उसके आप यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 लाइन है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सेटिंग ऑप्शन पे चले जाइए। सेटिंग ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑटो क्लियर एक ऑप्शन आएगा, उस पर आप 30 डेज का बाई डिफॉल्ट सिलेक्ट रहते हैं, उसको आप सिंपली ऑफ कर दीजिए। इसको आप अगर ऑफ कर देते हैं तो जो भी फाइल अपने फोन से आप डिलीट करते हैं वो इस ऐप के अंदर हमेशा के लिए रह जाएगा। अगर आप 30 डेज का या फिर 1 वीक या फिर 90 डेज करते हैं तो वो फाइल क्या होगा ना, आपके फोन से डिलीट होने के 30 डेज, 1 वीक या फिर 90 डेज तक ही इस ऐप के अंदर रह पाएगा। अगर आप ऑफ कर देते हैं तो हमेशा के लिए इस ऐप के अंदर रह जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आप कुछ और फीचर्स आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इस ऐप का आप थीम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे कलर जो है चेंज हो गया। अब मैं आपको कुछ फाइल्स डिलीट करता हूँ अपने मोबाइल से और उसको रिकवर करके आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं सिंपली अपना फाइल मैनेजर ओपन करूंगा। फाइल मैनेजर ओपन करते आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 3 इमेजेस है और एक वीडियो फाइल है जो कि मैं डिलीट करूंगा, उसके बाद आपको रिकवर करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं एक वीडियो है मेरे पास, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक तीनों फाइल इमेजेस और इस वीडियो को डिलीट कर देता हूँ। आप देख लीजिए मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद अगर इस ऐप को ओपन करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऐप जो है ओपन कर लिया है। ऐप ओपन करती है, यहाँ पे फिर से वही वाला आ रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए 3 इमेज यहाँ पे मेरा है और एक वीडियो है। इसको आप सिंपली 3 इमेज पे, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, 3 इमेज पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का रिकवर बटन एक आ रहा है, उस पर आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे रिकवर करके बोल रहा है, रिकवर पे आप क्लिक कर दीजिए तो आपका रिकवर हो गया। वीडियो भी सेम है, अब वीडियो पे क्लिक कीजिए, उसके बाद रिकवर पे क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर से रिकवर पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका वीडियो जो है, फाइल जो है, सब कुछ रिकवर हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे फिर से मेरा जो है 3 इमेजेस और एक वीडियो आ गया है। फ्रेंड्स, और एक फीचर्स मैं आपको इस ऐप का दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद डीप रिकवरी करके एक ऑप्शन आ रहा है। एक अगर आप और भी पुराने इमेजेस, वीडियोस, एमपी3 सॉन्ग्स को रिकवर करना चाहते हैं तो इस डीप रिकवर पे आप क्लिक करिए। उसके बाद ऐसे ही सर्चिंग होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐप जो है सर्च कर रहा है। मैं कुछ दिन पहले जू गया था तो उसी के इमेजेस जो है मैंने डिलीट कर दिया था, कंप्यूटर में रखे हुई वही इमेजेस आपको दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, आप देख लीजिए ऐप ने जो है मेरा सारा का सारा इमेजेस, जितने भी मैंने डिलीट किया था, जितने भी इमेजेस मैंने डिलीट किया था पहले, जो सभी के सभी जो रिकवर कर लिया। यहाँ पे कुछ MP3s भी है, मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप नीचे जाता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए, सॉरी, बहुत यहाँ पे देख लीजिए, बहुत से MP3 सॉन्ग्स भी है जो इस ऐप ने मेरा रिकवर कर दिया। मैं आपको ऊपर जाके टोटल दिखाता हूँ कितना इसने रिकवर किया। देख लीजिए आप, 1655 फाइल्स इसने मेरा रिकवर कर दिया। आप मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से आप कैसे अपने फाइल्स को जो मेमोरी कार्ड या फिर मोबाइल स्टोरेज में आप भेज सकते हैं। जैसे कि किसी भी इमेज या फिर MP3 या फिर वीडियो जो भी आपने रिकवर किया होगा उसको आप उस पर क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा रिकवर टू गैलरी, उस पर आप एक बार क्लिक कीजिए तो फाइल जो आपका मेमोरी कार्ड में चला गया। प्लीज वेट करके ऑप्शन आ गया था, आपने देखा। उसके बाद मैं मेमोरी कार्ड भी अपना जाता हूँ फाइल मैनेजर में। यहाँ पे फाइल मैनेजर में जाके यहाँ पे एक बार आप मैनेजर को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा शायद, ये देखिए यहाँ पे फाइल मैनेजर पे मेरा फाइल जो है DCIM फोल्डर के अंदर चला आया है, ये फाइल मैंने रिकवर किया था। ऐसे करके आपने पुराने जितने भी इमेजेस, वीडियो, सॉन्ग्स, जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स थे वो सभी आप रिकवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, अभी जाके सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंच जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।